नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने औषधि निर्माता उद्योगों से गुणवत्तापूर्ण दवाएं बनाने और विश्व बाजार में उनकी पहुंच बढ़ाने को कहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम विकास के प्रतिभागियों और लाभार्थियों के पूरे देश से जुड़ा है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार संसद के बजट सत्र में डेटा संरक्षण विधेयक पेश कर सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ सरकारी स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की जांच रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। देश के विभिन्न हिस्सों में तेज बारिश, केरल में जानमाल का नुकसान। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नासा के विशाल मूल रॉकेट आर्टेमिस 1 के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती जारी। युवा मामले और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देशभर के 26 स्कूलों में मीट द चैंपियन कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। और वर्ष का चौथा तथा अंतिम ग्रैंड स्लैम अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से न्यूयॉर्क में शुरू होगा। दोपहर समाचार में अलका सिंह के साथ मैं कनकलता। स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने औषधि निर्माता उद्योगों से बेहतरीन किस्म की दवाएं बनाने और विश्व बाजारों में उनकी पहुंच बढ़ाने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के रजत जयंती समारोह को संबोधित करते हुए डॉ मांडविया ने कहा कि गुणवत्तापरक दवाएं उपलब्ध कराने से दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। उन्होंने कहा कि फार्मा क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए अनुसंधान पर ध्यान देना जरूरी है। इनोवेशन को कैसे महत्व देना, रिसर्च को कैसे महत्व देना, कॉमन फैसिलिटी तैयार हो और इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिले, ऐसा एटमॉस्फेयर कैसे तैयार करना। हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, हम फार्मा सेक्टर में अनुभवी लोग हैं। फार्मा सेक्टर में हमारा अनुभव को हम थोड़ा सा स्ट्रेंथन करें तो हम दुनिया में बहुत कुछ दे सकते हैं, दुनिया की सेवा कर सकते हैं। श्री मांडविया ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार गरीबों और किसानों के हितैषी होने के साथ साथ उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि इस समय देश में 8,500 से अधिक जन औषधि केंद्र काम कर रहे हैं, जो उच्च गुणवत्ता की दवाएं सस्ती दर पर उपलब्ध करा रहे हैं। डॉ मांडविया ने इस अवसर पर औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के अंतर्गत विभिन्न सुविधाओं को एक ही खिड़की पर उपलब्ध कराने के लिए दूसरे एकीकृत फार्मास्यूटिकल्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम पूरे देश में लागू करने और विकास का लाभ सब तक पहुंचाने की परिकल्पना पर आधारित है। नई दिल्ली में सरकारी ई बाजार पर गिफ्ट कैटलॉग और स्टोर फ्रंट का शुभारंभ करते हुए श्री गोयल ने कहा कि देश के हर जिले में अपार क्षमता है, जो विश्व भर के देशों के बराबर हो सकती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम की सफलता को देखकर अन्य राज्यों को प्रेरणा मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जिला एक उत्पाद को राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सामाजिक जागरूकता के प्रयास कुपोषण से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कुपोषण उन्मूलन में सभी से शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सितंबर का महीना त्योहारों के साथ साथ पोषण से जुड़े अभियान के लिए समर्पित है। सितंबर का महीना त्योहारों के साथ साथ पोषण से जुड़े बड़े अभियान को भी समर्पित है। हम हर साल 1 से 30 सितंबर के बीच पोषण माह मनाते हैं। कुपोषण के खिलाफ पूरे देश में अनेक क्रिएटिव और डाइवर्स एफर्ट्स किए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल और जन भागीदारी भी पोषण अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बना है। देश में लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल डिवाइस देने से लेकर आंगनवाड़ी सेवाओं की पहुंच को मॉनिटर करने के लिए
पोषण ट्रैकर भी लॉन्च किया गया है। सभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में 14 से 18 साल की बेटियों को भी पोषण अभियान के दायरे में लाया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने अगले वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव का 70 से अधिक देशों ने समर्थन किया। श्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया भर में मोटे अनाज की लोकप्रियता बढ़ रही है। पिछले कुछ समय से भारत में कोई भी जब विदेशी मेहमान आते हैं, राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि भोजन में भारत के मिलेट्स यानी हमारे मोटे अनाज से बनी हुई डिशेज बनवाऊं। और अनुभव यह आया है, इन महानुभावों को यह डिशेज बहुत पसंद आती है और हमारे मोटे अनाज के संबंध में, मिलेट्स के संबंध में काफी कुछ जानकारियां एकत्र करने का वो प्रयास भी करते हैं। मिलेट्स, मोटे अनाज प्राचीन काल से ही हमारे एग्रीकल्चर, कल्चर और सिविलाइजेशन का हिस्सा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर अरुणाचल प्रदेश में सियांग जिले के जोरसिंग गांव से 4G इंटरनेट सेवा शुरू हुई। उन्होंने कहा कि इंटरनेट ने विद्यार्थियों के पढ़ने और सीखने के तरीके भी बदले हैं। जोरसिंग गांव में इसी महीने स्वतंत्रता दिवस के दिन से 4G इंटरनेट की सेवाएं शुरू हो गई है। जैसे पहले कभी गांव में बिजली पहुंचने पर लोग खुश होते थे, अब नए भारत में वैसी ही खुशी 4G पहुंचने पर होती है। अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट के दूर सुदूर इलाकों में 4G के तौर पर एक नया सूर्योदय हुआ है। इंटरनेट कनेक्टिविटी एक नया सवेरा लेकर आई है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डाटा संरक्षण संशोधन विधेयक संसद के अगले वर्ष बजट सत्र में प्रस्तुत किया जा सकता है। एक समाचार पत्र के साथ भेंट में उन्होंने कहा कि विधेयक का प्रारूप जल्द ही विचार विमर्श के लिए जारी किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि देश में डाटा संरक्षण की व्यवस्था बदलते समय के अनुरूप होनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में कक्षा निर्माण में कथित अनियमितताओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि भाजपा के आरोप सच्चाई से कोसों दूर हैं। उन्होंने कहा कि पहले भाजपा आबकारी नीति के लिए आप सरकार पर निशाना साध रही थी, वहां उन्हें कुछ नहीं मिला, वे अब नए आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सरकारी स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण मामले में केंद्रीय सतर्कता आयोग की जांच रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग नियमावली के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए कक्षाओं की निर्माण लागत में 50 से 90% की बढ़ोतरी दिखाई गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसका उद्देश्य चयनित ठेकेदारों को टेंडर देना था। जो प्रावधान है CPWD मैनुअल में, उसकी अनदेखी करके लागत को बढ़ाते हुए, जिससे कि मुनाफाखोरी कर सकें, अपने चिन्हित ठेकेदारों को ठेका दे सकें, ये करते हुए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को करीब करीब 50 से 90% तक बढ़ाया गया। ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि CVC ने एक रिपोर्ट जिसमें यह स्पष्ट था कि घोटाला हुआ है। दिल्ली भाजपा प्रमुख आदेश गुप्ता ने कहा कि श्री केजरीवाल ने मनमाने ढंग से कोई निविदा दिए बिना जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन के एक निकट सलाहकार आर्किटेक्ट को काम का जिम्मा सौंपा। उन्होंने इस मामले में जांच की मांग की है। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये बात कही। श्री आजाद ने हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पार्टी को कमजोर करने और सलाह मशवरे की परंपरा समाप्त करने का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। भारतीय जनता पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा ने कहा है कि डबल इंजन सरकार के साथ ही त्रिपुरा का समग्र विकास संभव है। आज अगरतला में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने दावा किया कि त्रिपुरा में राजनीतिक हिंसा समाप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद हिंसा की घटनाओं और उग्रवादी गतिविधियों में कमी आई है।
भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण दे रही है। स्व सहायता समूहों को भी मजबूत किया जा रहा है। जहां तक महिला सशक्तिकरण का सवाल है, लेटर ऑफ स्पिरिट में इसको किया गया है। 33% ऑफ रिजर्वेशन इन द गवर्नमेंट जॉब्स, देयर इज ए इंक्रीज ऑफ 7 times इन द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। एंड 7 times व्हेन आई से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इसका मतलब है कि सरकार के प्रोत्साहन के साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को खड़ा किया गया। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 211,91,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 24,70,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 7,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और करीब 9,000 रोगी स्वस्थ हुए। वर्तमान में 84,931 रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.62% है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे? तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ, 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। अगर आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबों के लिए ऑल इंडिया रेडियो के प्रेजेंटेशन है अभ्यास, एक ऐसा प्रोग्राम जहां हमें 9289094044 पर व्हाट्सएप करते हैं आप अपने ऑडियो सवाल या फिर ईमेल करते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर और इसका जवाब एक्सपर्ट देते हैं रात 9:30 बजे शनिवार को। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल है इस बार का विषय और सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 31 अगस्त। आपका अभ्यास, हमारा प्रयास। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। युवा कार्य और खेल मंत्रालय हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर आज राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहा है। खेल मामलों के सचिव सुजाता चतुर्वेदी ने आकाशवाणी को बताया कि आज देश भर के 26 स्कूलों में मीट द चैंपियन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज हम लोग भारत के ऐतिहासिक हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे मना रहे हैं। इस अवसर पर पूरे देश में स्पोर्ट्स का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे भी इस खेल दिवस मनाकर खेलकूद को सेलिब्रेट करें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हम लोगों ने एक मीट द चैंपियंस कार्यक्रम विगत वर्ष शुरू किया था। उसमें जो ओलंपिक खिलाड़ी हैं उनको 75 स्थानों पर स्कूली बच्चों से मिलवाकर खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन और न्यूट्रिशन के विषय में जानकारी देने के लिए अभी तक 29 ऐसे चैंपियंस के कार्यक्रम हो चुके हैं और आज मुझे खुशी है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर 26 स्थानों पर पूरे देश भर में फैले हुए स्कूलों में आज हमारे चैंपियंस जाकर बच्चों को प्रेरित और उत्साहित करेंगे। स्पोर्ट्स डे के अवसर पर मैं सभी को हार्दिक बधाई देती हूं और अनुरोध करती हूं कि स्पोर्ट्स को, फिटनेस को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा जरूर बनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। उन्होंने मेजर ध्यानचंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक ने खेल सचिव सुजाता चतुर्वेदी और अन्य अधिकारियों के साथ दिल्ली स्थित नेशनल स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया कप मुकाबले में पाकिस्तान पर जीत के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी है। मैच में विजय के तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा कि भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि टीम ने बेहतरीन कौशल और दृढ़ता का परिचय दिया। राजस्थान में आज सवेरे 11,000 से अधिक पंचायतों में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर जिले के लूनी प्रखंड की पाल पंचायत में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इन खेलों में लगभग 2,25,000 टीमें भाग ले रही हैं। एक रिपोर्ट। ग्रामीण ओलंपिक के तहत 5 अक्टूबर तक 6 खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें कबड्डी, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, खो खो तथा टेनिस बॉल क्रिकेट शामिल हैं। सबसे पहले ये खेल ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके बाद ब्लॉक, जिला तथा राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं होंगी। इन खेलों में 20 लाख से ज्यादा पुरुष और करीब 10 लाख महिला खिलाड़ी भाग ले रही है। खास बात यह है कि इनमें 1 लाख से अधिक प्रतिभागी 50 वर्ष से अधिक आयु के हैं, वहीं 1,500 से अधिक खिलाड़ी 70 साल से अधिक आयु के हैं। इस आयोजन का मकसद गांवों में खेलों के प्रति माहौल तैयार करना, प्रतिभाओं की तलाश करना और आपसी सद्भाव को बढ़ाना है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने औषधि निर्माता उद्योगों से गुणवत्तापूर्ण दवाएं बनाने और विश्व बाजार में उनकी पहुंच बढ़ाने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम विकास का लाभ सब तक पहुंचाने की परिकल्पना पर आधारित है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार संसद के बजट सत्र में डाटा संरक्षण विधेयक पेश कर सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ सरकारी स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की जांच रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। देश के विभिन्न हिस्सों में तेज बारिश, केरल में जान माल का नुकसान, मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नासा के विशाल मून रॉकेट आर्टेमिस 1 के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती जारी। युवा मामले और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देश भर के 26 स्कूलों में मीट द चैंपियन कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है और वर्ष का चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से न्यूयॉर्क में आरंभ। वर्ष का चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम अमरीकन ओपन टेनिस आज न्यूयॉर्क में शुरू होगा। प्रतियोगिता के पहले दिन आज पिछले विजेता और शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी जेनियल मेदवेदेव का सामना पहले दौर में रूसी मूल के अमरीकी खिलाड़ी स्टीफन कोज़लोव से होगा। पांचवी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी स्टेफानो सित्सिपास, पूर्व चैंपियन डोमिनिक थिएम, छठी वरीयता प्राप्त फेलिक्स ऑगर एलियासिम और दसवीं वरीयता प्राप्त टेलर फ्रिट्स भी पहले दिन अपने मैच खेलेंगे। पुरुष वर्ग में विश्व के नंबर 3 खिलाड़ी राफेल नडाल और महिला वर्ग में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्वीतेक के मुकाबले दूसरे दिन होंगे। टेनिस के इतिहास में सेरेना विलियम्स का दौर और उनकी उपलब्धियां अप्रतिम और बेमिसाल रही हैं। 40 वर्षीय सेरेना ने अपने 23 सिंगल खिताबों में से पहला 1999 में जीता था। एक रिपोर्ट। टेनिस के इतिहास में सेरेना विलियम्स का दौर और उनकी उपलब्धियां अप्रतिम और बेमिसाल रही हैं। 40 वर्षीय सेरेना ने अपने 23 सिंगल्स खिताबों में से पहला 1999 में जीता था। आज 23 वर्ष बाद उनके ग्रैंड स्लैम उपलब्धियों की यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर होगी। 23 ग्रैंड स्लैम खिताब किसी भी पुरुष या महिला खिलाड़ी की उपलब्धियों से कहीं कहीं अधिक हैं। वे कुल मिलाकर 319 सप्ताह तक वरीयता क्रम में पहले पायदान पर रहीं और उन्होंने लगातार 186 सप्ताह तक अपना वर्चस्व बनाए रखा। सेरेना ने अपना पूरा जीवन टेनिस के लिए समर्पित कर दिया और इस खेल का प्रतीक और पर्याय बन गईं। वोक पत्रिका के एक लेख में सेरेना ने लिखा है, मैंने रिटायरमेंट शब्द को कभी पसंद नहीं किया। इस स्थिति के लिए मेरे ख्याल से सबसे अच्छा शब्द होगा कि मैं विकास के क्रम में हूँ। निश्चित रूप से यह विकास की एक अवस्था है। सेरेना केवल टेनिस पर वर्चस्व के लिए नहीं बल्कि इसके क्रमिक विकास के लिए भी याद रखी जाएंगी। प्रत्युष घोष की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं डॉक्टर अरुण कुमार सिंह। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वाधीनता के बाद पिछले 75 वर्षों से देश भर के नागरिकों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के साथ स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वाधीनता के बाद भारत की यात्रा का वर्णन करता है। पश्चिम
पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में क्षेत्रीय दलों के उभरने के साथ ही देश में बहुदलीय लोकतंत्र की व्यवस्था को मजबूती मिली। 1957 में हुए दूसरे आम चुनावों में केरल ने ईएमएस नंबुदरीपाद को चुना, जो वामपंथ की पहली सरकार के मुखिया थे। आई केम टू द कम्युनिस्ट मूवमेंट थ्रू द एंटी इंपीरियलिस्ट नेशनल मूवमेंट विद इन द कांग्रेस इटसेल्फ वी वेयर इन द लेफ्ट एंड एज लेफ्टिस्ट कांग्रेसमैन वी ऑर्गेनाइज्ड आवरसेल्फ फर्स्ट इन द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। At that time, the Communist Party was in existence at the All India level. इसके बाद बहुत जल्द केंद्र में सत्ताधारी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा रैलियां और प्रदर्शन शुरू हो गए, जो सरकार की शिक्षा नीतियों के विरोध में राज्य भर में हुए। विरोध प्रदर्शनों के कारण ईएमएस नंबूदरीपाद के नेतृत्व वाली वामपंथी सरकार को अनुच्छेद 356 के तहत 31 जुलाई 1959 को अपदस्थ कर दिया गया। 1967 में डीएमके ने सीएन अन्नादुरई के नेतृत्व में कांग्रेस को पराजित कर सत्ता हासिल की। प्रोफेसर्स एंड स्टूडेंट्स दे एग्जिबिट वेरी कीन इंटरेस्ट इन एशियन प्रॉब्लम्स एंड व्हेन दे टेक कीन इंटरेस्ट इन एशियन प्रॉब्लम्स दे पे स्पेशल अटेंशन टू इंडिया बिकॉज दे कंसीडर इंडिया टू बी द एक्सपेरिमेंट स्टेशन फॉर डेमोक्रेसी देयरफॉर दे आर इंटरेस्टेड इन द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया देयरफॉर दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू एनालाइज Our actions, our activities and the results. 1977 में एमजी रामचंद्रन के नेतृत्व वाली एआईएडीएमके तमिलनाडु में सत्ता में आई। एमजीआर पहले अभिनेता थे जिन्होंने सरकार का नेतृत्व किया। बहुत जल्द एक और अभिनेता एनटी रामा राव ने आंध्र प्रदेश में एक राजनीतिक दल बनाया जिसका नाम तेलुगु देशम पार्टी था और वे 1983 में कांग्रेस को हराकर सत्ता में आ गए। Has been my brother and my guru also. As an artist, not only he a colleague, but now in the present life as a politician, he has inspired me, has shown me the real path of repaying the adoration and the support we got from the people as artists. महाराष्ट्र में 1995 में बाल ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। I am aloof from all these things. I am not getting allured to all this power politics. I don't want to occupy any chair. I don't want any position. देश ने कई क्षेत्रीय दलों को उभरते देखा, जिनमें शिरोमणि अकाली दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजू जनता दल, असम गण परिषद, मिजो नेशनल फ्रंट, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेकुलर, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस, तेलंगाना राष्ट्र समिति और आम आदमी पार्टी। आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम ट्विटर पर @AIRNewsAlerts, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ सुनने के लिए बने रहें आकाशवाणी समाचार के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ, रीलिविंग द जर्नी ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस ओवर द लास्ट 75 इयर्स विद ऑल इंडिया रेडियो फ्रॉम 15 अगस्त। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का विशाल मून रॉकेट आर्टेमिस आज चंद्रमा के लिए उड़ान भरने की तैयारी में है। मीडिया की खबरों के अनुसार 322 फुट का ये रॉकेट और इसका ओरियन क्रू कैप्सूल आज भारतीय समयानुसार शाम लगभग 6 बजे कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। मून रॉकेट नासा द्वारा विकसित अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। इसका उद्देश्य अपोलो यान के 50 वर्ष बाद फिर चंद्रमा की सतह पर पहुंचना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर
9289094044 पर भेज सकते हैं या इस पते पर ईमेल कर सकते हैं एक कदम और aarnews@gmail.com। ये आकाशवाणी है। उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इनकार करने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती वाली याचिकाओं पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। शीर्ष न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने के मामले में नोटिस भी जारी किया। न्यायालय ने इस मामले में और समय दिए जाने का अनुरोध अस्वीकार कर दिया और 5 सितंबर को अगली सुनवाई तय की। 15 मार्च को कर्नाटक उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने उडुपी की मुस्लिम छात्राओं द्वारा कक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति दिए जाने से संबंधित याचिकाएं खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम में कोई अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नागरिकों की सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय वाहन चालन परमिट IDP को लेकर अधिसूचना जारी की है। भारत अंतर्राष्ट्रीय सड़क यातायात संधि 1949 में शामिल है और अन्य देशों में स्वीकृति के लिए संधि के प्रावधानों के अनुरूप IDP जारी किया जाना जरूरी है। मंत्रालय ने बताया कि वर्तमान समय में देश के विभिन्न राज्यों में इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के प्रारूप, आकार और रंग में अंतर है। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है प्रसिद्ध कवि, संगीतकार और स्वाधीनता सेनानी गाजी नजरुल इस्लाम को। काजी नजरुल इस्लाम न केवल एक अच्छे कवि और संगीतकार थे बल्कि एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। अपनी कलम के बूते उन्होंने बांग्ला साहित्य को नई पहचान दिलाई। नजरुल इस्लाम का जन्म पश्चिम बंगाल के आसनसोल में चुरुलिया गांव के एक गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिता काजी फकीर अहमद एक मस्जिद के इमाम थे। काजी नजरुल इस्लाम की शुरुआती शिक्षा दरसे में हुई। नजरुल ने 1917 में पढ़ाई छोड़ दी और डबल कंपनी नामक रेजिमेंट में शामिल हो गए। इस बीच उन्होंने रविन्द्रनाथ ठाकुर, शरदचंद चट्टोपाध्याय, रूमी और उमर खयाम को पढ़ा। उनसे प्रेरणा लेकर नजरुल ने 1919 में अपनी पहली किताब लिखी, एक आवारा की जिंदगी। उसके बाद उनकी पहली कविता मुक्ति छपी। वहीं पर उन्होंने अपना पहला उपन्यास बंधन हारा लिखा। नजरुल देश की आजादी के लिए लिख रहे थे। 1922 में उनका काव्य संग्रह अग्निवीणा प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक ने उन्हें रातों रात क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत बना दिया। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने बांग्ला साहित्य में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए 1945 में तत्कालीन सर्वोच्च सम्मान से उन्हें सम्मानित किया। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण और बांग्लादेश सरकार ने उन्हें महाकवि के रूप में सम्मानित किया। अगस्त 1976 में उनका निधन हो गया। केरल में इडुक्की जिले के थोडुपुझा के पास आज सुबह तेज वर्षा के कारण भूस्खलन और चट्टाने खिसकने के बाद मकान ढह जाने से एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मृत्यु हो गई। मृतकों के शव मलबे से निकाल लिए गए हैं। इडुक्की के जिला कलेक्टर ने बताया कि 4 अन्य परिवारों को निकट के राहत शिविरों में भेजा गया है। मौसम विभाग ने आज देहरादून, टिहरी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर में मूसलाधार वर्षा की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट और हरिद्वार, पौड़ी, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी देहरादून में कल रात से ही मूसलाधार वर्षा हो रही है। लगातार वर्षा होने से नदियां उफान पर हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने औषधि निर्माता उद्योगों से गुणवत्तापूर्ण दवाएं बनाने और विश्व बाजार में उनकी पहुंच बढ़ाने को कहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम विकास का लाभ सब तक पहुंचाने की परिकल्पना पर आधारित। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार संसद के बजट सत्र में डेटा संरक्षण विधेयक पेश कर सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ सरकारी स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की जांच रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाया।
युवा मामले और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देश भर के 26 स्कूलों में मीट द चैंपियन कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।